आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स में, क्लास 12 11 का जो फिजिक्स है हम लोग का, दैट इज़ एनसीईआरटी बुक से ये तुमको होगा चैप्टर नंबर 12, दैट इज़ लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो हम लोग हीट का जो चैप्टर पढ़ रहे थे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसके पहले तो उसमें जाहिर है कि जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, जो भी तुमने एनसीईआरटी बुक से बनाया होगा और जो भी तुमको एस सी वर्मा के बुक से भी तुमको, उसमें तीन तीन चैप्टर थे एस सी वर्मा बुक से, जो तुम्हारा था जो सेकंड वॉल्यूम जो है उसमें तुमको हीट एंड टेम्परेचर, उसका तीसरा चैप्टर था कैलोरीमेट्री और लास्ट में सिक्स्थ जो चैप्टर था हीट ट्रांसफ़र, वो दोनों तीनों चैप्टर तुम्हारा जो है थर्मल प्रॉपर्टी मैटर में ही थे। और अब हम लोग जो पढ़ेंगे इस जो 12 में हम लोग को आएगा एक लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स करके, उसमें भी चैप्टर दिया हुआ है और उसमें उसके अलावा एक और चैप्टर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस, ये दो जो चैप्टर्स दिए हुए हैं एस सी वर्मा बुक में वो इस चैप्टर 12 में ये एनसीईआरटी बुक में कवर होंगे। तो जिस भी स्टूडेंट को कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी भी टॉपिक कोई प्रॉब्लम नहीं बन रहा हो, राइटफुल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर हमारे जो है कॉन्टैक्ट के नंबर दिए हुए हैं या ईमेल है, उस पर तुम हमसे संपर्क करके कभी भी हमसे मदद ले सकते हो और अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकते हो। जहाँ भी दिक्कत हो, तो जो इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहा हो, मेडिकल का या बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी टॉपिक पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम नहीं बन रहा हो, कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो। तो आज का जो चैप्टर टॉपिक पे आते हैं तो दैट इज थर्मोडायनामिक्स के तुमको लॉज हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कुछ टर्म्स इसका डिफाइन करते हैं। पहला है टर्म हमको थर्मल इक्विलिब्रियम, एक टर्म है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होगा, जब दो बॉडी जो है तुमको जिसका टेम्परेचर सेम हो, जब एक दूसरे के कंटेक्ट में रहते हैं तो इससे एक से दूसरे में हीट का फ्लो नहीं हो रहा हो, देन दे आर कॉल्ड इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इफ टू बॉडीज केप्ट इन कॉन्टैक्ट एंड नो फ्लो ऑफ हीट, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर they are said to be in thermal equilibrium। ये थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा, जब तुमको दो बॉडी हो, जब एक दूसरे कंटेक्ट में रखें और एक से हीट का फ्लो दूसरा में नहीं हो, तो ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। तो जो दो बॉडी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, तो उसका जो इसका मतलब हीट का फ्लो कब नहीं होगा, जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम होगा। इट मीन्स द टू बॉडीज हैव सेम टेम्परेचर। टू बॉडीज है सेम टेम्परेचर, दोनों का जब टेम्परेचर सेम होगा तो इसका मतलब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। इसी से जुड़ा हुआ तो एक थर्मल इक्विलिब्रियम कब हुआ, जबकि दो बॉडी जबकि तुमको एक दूसरे के कंटेक्ट में रखने पर एक से दूसरे में हीट का फ्लो नहीं हो रहा हो, देन टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। और जब थर्मल इक्विलिब्रियम होगा दोनों बॉडी, तो दोनों का टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है। अब है तुमको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स। ये जाहिर है कि फर्स्ट सेकेंड लॉ इसके बाद आया, इसलिए इसका नाम जीरो लॉ रखना पड़ा, थर्मोडायनामिक्स। ये काफ़ी सिंपल सा लॉ है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें कहता है कि जब दो बॉडी ए और बी को अगर, जब दो बॉडी ए एंड बी जो है तुमको थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो आपस में, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। जैसे कि लिख देते हैं तुरंत, बहुत सिंपल सा लॉ है थर्मोडायनामिक्स। इफ टू बॉडीज ए एंड बी
आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड कॉमा बी एंड सी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम देन ए एंड सी मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम ए एंड सी मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब हुआ कि ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है ए बी तो दोनों का टेम्परेचर सेम टेम्परेचर तभी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा सेम टेम्परेचर। बी सी ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम तो सेम टेम्परेचर तो सिंपली है कि ए और सी का भी टेम्परेचर क्या होगा सेम होगा। तो ए एंड सी दिस इंप्लाइज दैट ए सी ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ए भी है बी सी है थर्मल इक्विलिब्रियम में तो ये तुमको दिस इंप्लाइज दैट ए सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा यही उसका लॉ हुआ। तो ऐसा नहीं है कि ये हर जगह जैसे कुछ किसी स्टूडेंट को लग रहा हो कि ये हर जगह ऐसा ही तो होता है ये कौन सा नया बात हुआ तो ऐसा नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक आदमी ए बी को जानता है और बी सी को जानता है ये जरूरी नहीं कि ए सी को जानता हो इसलिए ऐसा नहीं कि हर जगह ये नियम लागू होता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि हर जगह लॉ नहीं है कि ऐसा ए बी को जान रहा हो जैसे बी और बी जो है बी नोज सी देन ये इट इज नॉट नेसेसरी कि ए नोज सी। तो ये जो तुम्हारा लॉ होगा ये हर जगह नहीं होता जैसे तो यहां पर लेकिन लागू होगा कि ए तुमको ए और बी इक्विलिब्रियम में है और बी और सी भी इक्विलिब्रियम में है तो ए सी भी क्या होगा इक्विलिब्रियम में होगा। अगर दो बॉडी जो कि एक दूसरे कंटेक्ट में रखें ए बी को और वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो मतलब कि दोनों का थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ इसमें अभी इस टॉपिक में अभी हम लोग देखें जब दो बॉडी को कंटेक्ट में रखें और एक से हीट का फ्लो दूसरा में नहीं हो तो ये कहा जाता है कि वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। टू बॉडीज केप्ट इन कंटेक्ट और एक से हीट का फ्लो अगर दूसरे में नहीं हो रहा है तो ये दे आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अब जैसे तुम्हारा है अगला जैसे टॉपिक है तुम्हारा अब जीरो लॉ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट हो गया। अब है हम लोग इसमें देखेंगे कुछ फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए कुछ टर्म्स हैं जिसमें कि हीट है तो हीट के बारे में तो हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं हीट के क्या क्या इफेक्ट होते हैं और उस वो उसके हीट के कुछ इफेक्ट्स अब इस चैप्टर में भी हम लोग देखेंगे। तो हीट है वर्क डन बाय गैस और इंटरनल एनर्जी इन सब टर्म से जुड़ा हुआ है थर्म फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो पहले इन टर्म्स को हम लोग देखते हैं दैट इज पहले देख लेते हैं इंटरनल एनर्जी तो इंटरनल एनर्जी का मतलब होगा जो किसी सिस्टम में सिस्टम हो गया जो कि जब कोई एक्सपेरिमेंट किसी पार्ट ऑफ एरिया जहां पर पार्ट ऑफ यूनिवर्स जहां पे कोई एक्सपेरिमेंट के इफेक्ट को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं दैट इज कॉल्ड सिस्टम। किसी इन जो तुम्हारा यूनिवर्स के वैसे स्पेस जहां पर कि हम लोग किसी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को ऑब्जर्व करते हैं दैट दे आर कॉल्ड सिस्टम एंड द रेस्ट ऑफ द इन यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो जो किसी सिस्टम का इंटरनल सिस्टम जो है तुमको जो कि किसी पे ऑब्जर्वेशन जिसमें देख रहे हैं तो उसका इंटरनल एनर्जी क्या होता है। तो किसी सिस्टम का जैसे तुम्हारा किसी सिस्टम का जो कि एक सिस्टम है तो सिस्टम की अपनी क्या होती है कुछ प्रेशर होगा गैसेस सिस्टम है तो उसकी प्रेशर होगी उसकी वॉल्यूम होती है उसकी टेम्परेचर होती है तो ये सब कहलाता है तुमको थर्मोडायनामिक का ये सब फंक्शन कहलाता है जो वेरिएबल्स हैं सब जो कि तुमको किसी स्टेट ऑफ किसी फंक्शन के किसी जो है तुमको सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करता है। तो सिस्टम का जो तुम्हारा होगा तो सिस्टम जैसे है तुमको तो उसका इंटरनल एनर्जी क्या होता है तो यह भी तुमको एक तरह से स्टेट है। तो इसका जैसे हम लिखते हैं सिंपल अगर लिखें द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम
इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। और जाहिर है कि इंटरनल एनर्जी जो होता है ये टेम्परेचर के प्रोपोर्शन होता है, ये टेम्परेचर के प्रोपोर्शन। इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन में। टेम्परेचर जो सिस्टम का होगा उसके प्रोपोर्शन होगा। तो इंटरनल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टी इन केल्विन। तो ये तुमको हो गया इंटरनल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये तुम्हारा हो गया। अब जैसे क्या है तुमको इंटरनल एनर्जी जो है तुमको टेम्परेचर इन केल्विन। तो उसके बाद है तुमको अगला है तुमको पार्ट, जैसे कि होता है तुमको, अगर तुमको गैस अलग अलग तरह फॉर गैसियस सिस्टम अगर तुम्हारा है, तो इंटरनल एनर्जी जो होता है तुमको दैट इज ट्रांसलेशनल जो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी होता है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 3/2 nRT। जाहिर है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर जो होगा दैट इज इन केल्विन, ये टेम्परेचर इन केल्विन। एन तुमको बहुत आसानी समझ रहे हो, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, आर इक्वल्स टू गैस कॉन्स्टेंट जिसको दैट इज इक्वल टू 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन इसका वैल्यू होता है, और टी इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये 3/2 RT होता है तुम्हारा। तो ये इंटरनल एनर्जी भी हो जाएगा अगर जैसे फॉर मोनोएटॉमिक गैस लाइक हीलियम नियॉन ETC इंटरनल एनर्जी इक्वल टू 3/2 nRT। और अगर एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज जो तुम्हारा हो गया एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी अगर कहा जाए 3/2 nRT। और डायटोमिक गैस के लिए होता है उसमें ट्रांसलेशन के अलावा उसमें रोटेशन मोशन भी तुमको काउंट करने लगता है। फॉर डायटोमिक गैस तुमको क्या होता है उसमें तुमको इंटरनल एनर्जी में ट्रांसलेशनल के साथ उसमें काइनेटिक ट्रांसलेशन के साथ तुमको रोटेशन भी तुमको उसमें काउंट करता है, तो उसका 5/2 nRT हो जाता है। फॉर डायटोमिक गैस जैसे कि है O2N2 ETC रोटेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन एडिशन टू ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशन मोशन के अलावा तुमको इसका भी आ जाता है। तो ये है तुमको जैसे कि तो इसका जो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 5/2 nRT ये डायटोमिक गैस का
डायटोमिक गैस में तुमको ये जब कंसीडर करते हैं हम लोग ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों, तो इसमें आ जाएगा। और फॉर पॉलीएटॉमिक गैस वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल कमांड, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल, तीन तरह का फैक्टर आता है उसमें, वाइब्रेशन भी एक होता है। तो इसका जो कि इंटरनल एनर्जी हो गया तुमको, इंटरनल एनर्जी इसका होता है तुमको 7/2 nRT। ये जैसे कि कौन कौन हो गया, ट्राइटॉमिक, जैसे CO2 है, SO2, SO3, ETC, ये सब के करीब आएगा तुमको, ये सब तुम्हारा इसके इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी जो है तुमको एक स्टेट फंक्शन ऐसा कहते हैं हम लोग। तो इंटरनल एनर्जी तुमको किसी सिस्टम का वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, मोल पर। जैसे कि आप एवरेज निकाला तो उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के क्या कर दीजिए, डिवाइड कीजिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो उसमें एक कॉन्स्टेंट आता है जिसको हम लोग बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट कहते हैं। जैसे देखो तुमको एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जैसे बात करें, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जैसे कि तुमको ये ट्रांसलेशन काइनेटिक जैसे 3/2 nRT लिखे अभी, और n हो गया नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो गया था, n इंटू एवोगाड्रो नंबर, दैट इज तुमको Na, जिसको हम लोग कहते हैं 6.022 × 10^23। या तो ये तुम्हारा इससे डिवाइड कर दोगे तो n तो नंबर ऑफ मोल मोल कट गया, तो R/Na जो एवोगाड्रो नंबर है ये एक कांस्टेंट, इसका तो वैल्यू 8.3 है, ये एवोगाड्रो नंबर, तो ये तुमको क्या हो गया, दैट इज 3/2 तो रहेगा ही, 3/2, और तुमको क्या हो गया, ये 3/2 इंटू R/Na इंटू टी। तो R/Na को एक दूसरा कांस्टेंट हम लोग कहते हैं जिसको हम लोग 3/2, इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, KB या KV लिखते हैं। तो KB, तो इस KB को हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहते हैं हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KV का वैल्यू क्या होगा, देखो ये जहां तक रहा तो KV का वैल्यू क्या हो जाएगा, KV जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगा दैट इज इक्वल टू R/Na, दैट्स इक्वल टू 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन बाय 6.022 × 10^23। तो ये क्या होगा तुम्हारा, 8.3 बाय इतना होगा तो 1.38, तो इतना होगा तुमको 1.38 × 10^-23 जूल पर केल्विन। ये तुम्हारा इसका क्या हो गया, एक एटम के लिए हो गया ये, तो तुम्हारा ये जैसे 1.38 × 10^-23 ये आ गया तुम्हारा। तो ये जो तुम्हारा होगा ये तुमको कहलाता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसी सिस्टम का होगा ट्रांसलेशनल कारण 3/2 kBT। तो ये तो जहां तक कि बताते हैं इंटरनल एनर्जी जो है किसी सिस्टम का वह तुमको एक स्टेट फंक्शन है। तो स्टेट फंक्शन किसको कहते हैं, स्टेट वेरिएबल। तो किसी सिस्टम के स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल कराते हैं, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, या तुमको ये तुमको इंटरनल एनर्जी, ये सब स्टेट फंक्शन कहलाते हैं। तो ये तुमको इट इज ऑल्सो ए स्टेट फंक्शन, ये किसी सिस्टम के स्टेट पर निर्भर करता है, ना कि किस पाथ से हम लोग वहां तक पहुंचे हैं। स्टेट क्या हुआ तुम्हारा, स्टेट फंक्शन, प्रेशर कॉमा टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ ए सिस्टम इज स्टेट फंक्शन। ये स्टेट फंक्शन है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब स्टेट फंक्शन कहलाता है। तो स्टेट फंक्शन का जैसे तुम्हारा हो गया, अब स्टेट फंक्शन में से कि तुम्हारा है, इसे तो है ही,
इंटरनल एनर्जी भी तुमको क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी ऑल्सो ए स्टेट फंक्शन इट डजंट डिपेंड अपॉन द पाथ ये किस, जैसे कि कोई, जैसे कि एक सिस्टम है ए स्टेट में, यहां स्टेट ए हुआ और ये स्टेट बी तक आया, चाहे ये आने का इस पाथ से आ सकता है, इस पाथ से आ सकता है या इस पाथ से आए, जिस भी पाथ से आए, तो इसमें अगर इंटरनल एनर्जी जो तुम्हारा होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल इन थ्री पाथ मतलब कोई भी पाथ से आओगे तो इंटरनल एनर्जी किसी भी पाथ से आइए, अब यहां से यहां पहुंचे, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टेट फंक्शन है, ये स्टेट ए है, स्टेट ए, जैसे यहां कुछ प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम होगा स्टेट बी, यहां कुछ प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम होगा स्टेट बी, कुछ कोई भी प्रोसेस करके इसको चेंज किए होंगे, तो ये जो तुमको क्या रहेगा, इसका जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप किसी भी रास्ते से आइएगा, किसी भी ढंग से चेंज करके लाइए, पहले प्रेशर घटाए, फिर टेम्परेचर बढ़ाए, फिर वॉल्यूम बढ़ाए, तो आप स्टेट ए से स्टेट बी तक पहुंच गए, तो जाहिर है कि उसका अपना स्टेट ए का अपना क्या होगा, स्टेट ए का अपना प्रेशर होगा, स्टेट ए का अपना प्रेशर होगा, जैसे पी ए, स्टेट ए का वी ए टी ए, ऐसा होगा, पहला स्टेट ए का हुआ, इसी ढंग से फिर स्टेट बी का हो सकता है तुम्हारा पी बी वी बी और टी बी, जिस भी ढंग से पहुंचे होंगे इसको चेंज करके आपने, तो एक स्टेट ए डिफाइन है, तो इंटरनल एनर्जी भी तुमको क्या होगा, वो इंटरनल एनर्जी भी तुमको जो चेंज होगा दोनों का, वह हमेशा सेम ही होगा, और तुम्हारा ये कहलाएगा इंटरनल एनर्जी का चेंज हमेशा सेम होता है, किसी भी टाइप के सिस्टम के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो इंटरनल एनर्जी हमेशा एक, वो भी एक स्टेट फंक्शन है, तो किसी स्टेट में जब डिफाइन होगा तो इंटरनल एनर्जी सेम ही रहेगा, तो हम लोगों ने ये देखा इंटरनल एनर्जी के एक टर्म के बारे में अभी पढ़ाई किया, अब हम लोग एक टर्म और पढ़ाई करते हैं, वर्क डन बाय गैस, तो वर्क डन बाय गैस के बारे में बात करेंगे, तो गैस, जैसे कि गैस वर्क डन करता है, तो इससे काफी चीज रिलेटेड है आपके जैसे इसको सिंपल हम लोग एक्सपेरिमेंट से भी इसको समझ सकते हैं, इसके और काफी बड़े इसके यूजेज हैं, जैसे कि कुछ इसका इफेक्ट को समझना हो, कोई एक डब्बा बंद है, वह हम लोग खोलने का कोशिश कर रहे हैं, नहीं खुल रहा है, अगर वह तुमको देखते हो जैसे कांच वगैरह का, अगर उस डिब्बा को कांच का अगर चढ़ा दें तुमको, थोड़ा सा भी गैस पर रख दें तो तुरंत क्रेक कर जाएगा, वो टूट जाता है, तो वह जो है तुमको गैस जो है वह फैलने का कोशिश कर रहा है, तो वह उसके पास वर्क करने की, वह किसी को जैसे ब्रेक कर दिया, दैट इज उसको पास क्या है, एक पावर है उसके पास, एनर्जी है, तो जिसको अगर नहीं, तो उसके कारण एक फोर्स क्रिएट हो रहा है, और इस कारण से वह क्या हो गया है, तुमको एक उसको डिस्प्लेस करने का कोशिश कर रहा है, इसका मतलब वर्क करने की उसकी क्षमता है, तो इसी तरह से जैसे कि अगर अगर वो रहा कांच का नहीं रहा था डब्बा को, मैं जहां से लूज पॉइंट होगा वहां से खुल जाता है, तो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है, तुमको देख सकते हो कि गैस जो है तुमको फैलने का कोशिश कर रहा, और इसी के काफी वाइटल क्या है तुम्हारा जो यूजेज है, हम लोग का जो कि अभी जितने जो इंजन वगैरह, जैसे रेल का जो इंजन है तुमको, या कोई भी इंजन जाए तुमको, इंटरनल डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, ये सब भी इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं, तो वहां पर भी गैसेज, गैस के ही एक्सपेंशन से ये सब बने हुए डिवाइसेज हैं, जो कि जहां पर कि गैस के द्वारा किए गए वर्क से ही ये सब डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन जितने भी हैं ये सब काम करते हैं, तो जहां भी इंजन जो वर्क कर रहा है वो सब वर्क डन बाय द गैस, इंटरनल कंबशन इंजन जितने हैं वो सब उसी प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, जो हीट को क्या करता है, हीट को कन्वर्ट कर रहा है, एनर्जी, हीट एनर्जी को तुमको कन्वर्ट कर रहा है वर्क डन में, तो ये सब इसके प्रिंसिपल्स हैं, तो जो कि अब तो ये जो तुम्हारे हैं, तो अब जो कि इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज वर्क डन, तो पहले हम लोग वर्क क्या होता है इसको देख लेते हैं, कितना वर्क होगा किसी प्रोसेस में, और फिर इस वर्क डन से रिलेटेड हीट का क्या संबंध है, इंटरनल एनर्जी का क्या रिलेशन है, जिसको हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील करेगा, तो उसको हम इसके बाद टेकअप करेंगे, तो पहले हम लोग वर्क डन बाय गैस देखते हैं क्या होता है, तो वर्क डन बाय गैस, तो फिजिक्स में लोग वर्क डन से तो पहले से परिचित हैं, वर्क डन बाय गैस,
तो उसी को यहां पर रिलेट करेंगे तो वर्क डन बाय गैस भी निकल जाएगा एक नए रूप में। तो वर्क डन जो हमारा होता है किसी भी प्रोसेस में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा फिजिक्स में वर्क डन पहले से ही डिफाइन है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है वही क्या होगा, एक यहां पर एक बर्तन है जिसमें एक पिस्टन लगा हुआ है और इसमें क्या किया जा रहा है, यहां पर से एक इसको हीट किया जा रहा है स्लोली, यहां से हीट दिया जा रहा है, हीट किया जा रहा है, यहां से हीट किया जा रहा है। तो ये क्या होगा, जो गैस है ये तुमको एक्सपेंड करने का कोशिश करेगा और ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ये कहलाता है कि जैसे जैसे गैस का थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा तो ये फिर पिस्टन आगे बढ़ेगा, तो ये भी तुमको है पिस्टन और धीरे धीरे क्या करेगा, फिर ये तुमको ये आगे बढ़ेगा इनफिनिटेसिमली, मतलब थोड़ा सा वेरी स्मॉल, मतलब कि ये डीएस अगर मूव किया, अगर ऐसा कहें हम लोग, ये पिस्टन इधर मूव करेगा और इसका जो प्रेशर होगा, ये जो तुम्हारा इधर का जैसे इक्विलिब्रियम में कहते हैं इसको, जैसे इधर से जो प्रेशर लग रहा होगा उधर से एटमॉस्फेयर भी अपना प्रेशर लगा रहा हो, जैसे आपने हीट किया तो प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ गया, जिससे कि बाहर के प्रेशर से क्या कर सके ये एडजस्ट कर सके, इस तरह से कहते हैं इसको इक्विलिब्रियम में कहते हैं। और जो नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस होगा तो उसको हम लोग क्वासी स्टैटिक नहीं कहते हैं, और उसके लिए तुमको ये जो तुमको है जब भी जितने भी जो बताए जाएंगे लॉ, ये सब इक्विलिब्रियम प्रोसेस के लिए, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो कर सकते हैं, जो कि जैसे स्टैटिक प्रोसेस का मतलब है कि जो कि रुका हुआ ही रहे, प्रोसेस हो ही नहीं, क्वासी स्टैटिक का अर्थ ये हो गया तुमको कि जैसे जैसे थोड़ा सा इसका प्रेशर बढ़ा तो ये पिस्टन आगे बढ़ गया और प्रेशर को फिर इन्वायरमेंट का जो प्रेशर होगा उससे एडजस्ट कर लिया और उसी के साथ फिर क्या करेगा, फिर जरा सा भी हिट किया फिर तुमको आगे बढ़ा, इस ढंग से क्या होता जाएगा, ये इक्विलिब्रियम जो कि सिस्टम के साथ जो सराउंडिंग के साथ का प्रेशर और इसका प्रेशर हमेशा क्या रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है, मतलब इक्विलिब्रियम से जरा सा थोड़ा सा बढ़ा तो फिर आगे बढ़ गया, तो इस तरह का प्रोसेस क्या कहलाएगा, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहलाता है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ये थोड़ा सा के लिए मतलब ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस का ये तुमको पार्ट हो गया, जो कि जस्ट मतलब क्या जो बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर हमेशा इक्वल करते हुए चलता है, तो ये तुम्हारा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो गया। तो अब इसमें जो वर्क डन जो तुम्हारा होगा, वर्क डन पर हम लोग आते हैं इस प्रोसेस में, तो यहां पर जो होगा ये वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ इनटू एरिया, एरिया ऑफ पिस्टन तुम्हारा हो गया ए हो गया, एरिया ऑफ पिस्टन को मान लेते हैं ए है, एरिया ऑफ पिस्टन, एरिया ऑफ पिस्टन इज इक्वल टू ए एंड प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू पी, तो फोर्स बाय गैस, गैस ऑन पिस्टन इक्वल्स टू पी ए, ये पी ए हो गया। अब अगर ये डिस्प्लेस करता है डीएस से, अगर ये डिस्प्लेस करता है द पिस्टन डिस्प्लेसेस बाय डिस्टेंस डीएस, द पिस्टन डिस्प्लेसेस बाय डीएस द वर्क डन बाय गैस डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पी ए इंटू डी एस, पी ए इंटू डी एस, तो डी डब्ल्यू जो हो जाएगा ये पी डी वी हो जाएगा, ए इंटू डी एस क्या हो जाएगा डी वी, ये हो गया चेंज इन वॉल्यूम, ये हो गया चेंज इन वॉल्यूम, ये पी इंटू डी वी, डी डब्ल्यू बराबर पी इंटू डी वी, तो टोटल वर्क डन बाय द गैस, टोटल वर्क डन बाय द गैस W बराबर इंटीग्रेशन PdV, ये तुमको इंटीग्रेट कर देंगे, वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV, तो ये वर्क डन जो गैस के द्वारा होगा वो इंटीग्रेशन PdV हो जाएगा टोटल वर्क डन, तो ये तुम्हारा हो गया वर्क डन बाय द गैस दैट इज इंटीग्रेशन PdV, तो ये हो गया तुम्हारा वर्क डन बाय द गैस, तो वर्क डन के लिए क्या हो गया ए इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस हो गया तुम्हारा वॉल्यूम हो गया, तो कितना हो गया इंटीग्रेशन, टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे उसको इंटीग्रेशन कर देंगे, तो एक प्रोसेस का किसी प्रोसेस का वर्क डन निकल सकता है वो, तो वर्क डन क्या हो गया तुम्हारा किसी गैस के द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी वी दैट इज, और जैसे कि इसको निकालने के लिए क्या होगा, अगर ये पी वी डायग्राम है जैसे ग्राफ ड्रॉ करें, ये वॉल्यूम है तुमको
और ये वॉल्यूम हो गया, इधर तुमको प्रेशर है, प्रेशर। तो ये जो तुमको कोई भी ग्राफ अगर प्लॉटेड है तो इसका जो है इंटीग्रेट करने का मतलब हो गया कि ये जो एरिया निकालिएगा यहां से यहां तक, कोई प्रोसेस अगर तुमको यहां पर स्टेट इसका डिफाइन होगा, जो भी यहां पर कुछ प्रेशर होगा, यहां ए से जैसे तुमको आ गया बी तक आ गया, तो ये वर्क डन जो तुम्हारा होगा इस प्रोसेस में ए से बी तक आने में, ये जो कि एरिया जो कि यहां पर इंक्लोज होगा यही वर्क डन होगा। वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया सराउंडेड बाय, एरिया सराउंडेड बाय पीवी डायग्राम विथ वॉल्यूम एक्सिस। वॉल्यूम एक्सिस से पीवी डायग्राम जितना एरिया इंक्लोज करेगा, एरिया सराउंडेड बाय वॉल्यूम एक्सिस से जितना एरिया सराउंड होगा वो क्या कहलाएगा, ये वर्क डन कहलाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा तुमको, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया सराउंडेड बाय वॉल्यूम एक्सिस से जितना एरिया सराउंड होगा वही इसका क्या कहलाएगा, वर्क डन कहलाएगा। अब जैसे कि ये तुमको जो प्रोसेस हो सकते हैं तो किसी भी प्रोसेस में वर्क डन निकल जाएगा ये, जैसे कोई ट्रायंगल वगैरह होगा तो एरिया तो आप सिंपल ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर तुमको कोई कर्व है जिसका कि हम लोग नहीं कर सकते तो वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमको। अगर कोई दूसरा कर्व है अननोन टाइप का, तो जैसे कि कोई भी नोन फिगर है तो आप उसका एरिया जैसे जैसे सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए, तो जिस टाइप का एरिया होगा उसको निकाल करके हम लोग वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। पीवी डायग्राम का अगर प्लॉटिंग किया हुआ तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ अगर है तो उसका वर्क डन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि वर्क डन का जैसे कुछ जैसे एक आध क्वेश्चन देते हैं, फिर कुछ सिंपल प्रोसेस पर आएंगे। वर्क डन निकालना हो तो वर्क डन बाय गैस कैसे निकलेगा, जैसे देखो एक क्वेश्चन है तुमको पीवी डायग्राम का ही देते हैं, जैसे वॉल्यूम एक्सिस पर जाहिर है एरिया कभी भी क्लोज कर, अगर कहीं कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है वॉल्यूम एक्सिस को वाई एक्सिस पे देता है तो आपको वाई एक्सिस पर ही वॉल्यूम एरिया क्लोज करना होगा, अक्सर तो वॉल्यूम देता है तुमको एक्स एक्सिस पर ही, लेकिन अगर तुमको वॉल्यूम इन सीसी दे रहे हैं इधर की तरफ और प्रेशर इन किलो पास्कल, यहां पर है प्रेशर इन किलो पास्कल, ये जीरो हो गया, ये 50 किलो पास्कल है के पी ए और ये हो गया 100 किलो पास्कल 100 के पी ए मान लेते हैं, और ये तुमको एक प्रोसेस है जिसका कि पहले वॉल्यूम है 50 सीसी, तुमको 50 सीसी है पहले वॉल्यूम है इसका 50 सीसी और ये तुमको प्रेशर है मान लेते हैं कि 100 किलो पास्कल यहाँ है, ये तुमको 100 किलो पास्कल यहाँ है, तुमको 100 किलो पास्कल 50 के और यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन से चेंज होके यहाँ पर आ गया, इसका जबकि वॉल्यूम हो गया 100 सीसी, ये 100 सीसी हो गया और प्रेशर हो गया घट के 50 के किलो पास्कल, ये तुम्हारा हो गया 50 के आसपास आ गया ये, तो यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर है 100 किलो पास्कल ए मतलब कि पहले ए स्टेट कह सकते हैं इसको, और यहाँ से चेंज होकर गया है बी स्टेट में गैस, तो बी स्टेट में तुम्हारा ए स्टेट में तुम्हारा क्या होगा, प्रेशर है 100 किलो पास्कल और वॉल्यूम है 50 सीसी और बी में है तुमको वॉल्यूम है 100 सीसी और प्रेशर है 50 किलो पास्कल। तो ये तुमको कहा जा रहा है कि इसका इस में वर्क डन क्या हुआ, इस प्रोसेस में क्वेश्चन है कि वर्क डन इन दिस प्रोसेस क्या होगा, तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करना होगा, इसका जितना भी एरिया इंक्लोज होगा यहां से यहां तक का वॉल्यूम एक्सिस से, ये एरिया जो इंक्लोज होगा यही हमारा क्या बन जाएगा टोटल मतलब कि वर्क डन हो जाएगा, तो ये जितना एरिया वॉल्यूम एक्सिस से इंक्लोज करेगा, तो ये वॉल्यूम एक्सिस से जो एरिया इंक्लोज करेगा तो ये क्या होगा तुमको एक ट्रेपीजियम बन गया, एक ट्रेपीजियम का एरिया डायरेक्ट लगा सकते हैं या इसको ट्रायंगल रेक्टेंगल बना के बना सकते हैं जिसको ट्रेपीजियम का एरिया भी बना सकते हो। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू हाइट, हाइट तुम्हारा ये हो जाएगा आई इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ऐसा हो सकता है। तो ये तुमको वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ये तुम्हारा वर्क डन निकालना है तो वर्क डन ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का एरिया क्या हो जाएगा, देखो एक तुमको वॉल्यूम एक्सिस तब तो उसका यूनिट लिखते जाइए,
तो हाफ इंटू वॉल्यूम हाइट तुम्हारा क्या होगा, हाफ इंटू हाइट, तो 100 cc माइनस 50 cc, ये हो गया वॉल्यूम, मतलब ये तुम्हारा हाइट हो गया, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो तुम तो प्रेशर साइड से है, तो एक हो गया तुमको 100 kPa प्लस 50 kPa, ये तुम्हारा हो गया। तो चलिए, तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 100 - 50, तो ये 50 cc हो गया, सीसी, लेकिन हमारा एसआई यूनिट नहीं है, तो सीसी को हम लोग क्या करें बाद में इसको अगला स्टेप में बदल देते हैं, और इनटू क्या होगा 150 kPa किलो पास्कल, तो जाहिर है कि अब इसको एसआई यूनिट में बदलिए सबको, 150 हो गया, 100 + 50, हाँ ठीक है, तो हाफ इंटू 50 × 10, 1 cm³ में कितना होगा मीटर क्यूब, 1 cm में 10⁻²⁰ मीटर क्यूब मीटर, तो 10⁻⁶ हो गया सीसी को, तो 10⁻⁶ ये क्या हो गया मीटर क्यूब हो गया, इंटू 150 × 10³ पास्कल, ऐसा यूनिट में अब तुम्हारा आ गया सब। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हाफ इंटू 50 हो गया तुमको, दैट इज 25 × 150 दैट इज 3750 इंटू 10⁻³, ये जूल हो गया वर्गन का यूनिट, तो दैट इज 3.75 जूल, ये तुम्हारा आंसर हो गया 3.75। कैलकुलेशन अपना देख लोगे, तो कैलकुलेशन करने का तरीका क्या हुआ समझ में आ गया होगा, या इस एरिया को निकालने का दूसरा तरीका अपना सकता था, एक ट्रायंगल बना लेता था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर रेक्टेंगल का एरिया इधर से निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये वर्क डन हमारा निकल गया। तो ये वर्क डन धैर्य इसमें इंटीग्रेट बिना किए हो गया, क्योंकि ये जो एरिया था हमारा नॉन फिगर था, तो एरिया निकाल दिए हम जैसे भी, अगर कोई कर्व टाइप का रहेगा तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उसका इक्वेशन चाहिए, और उसको इंटीग्रेट किए बिना वर्क डन नहीं निकल पाएगा। दूसरा, अगर कोई नॉन फिगर जैसे कहे तुमको, जैसे सर्किल है, इसी तरह में अगर रहता और ये जो वर्क डन था तुम्हारा, वॉल्यूम बढ़ रहा था, वर्क डन इज पॉजिटिव, वॉल्यूम इज एक्सपेंडिंग, जैसे एरिया हम लोग निकाले, वॉल्यूम यहां पे क्या हो रहा था 50 kPa से 100 kPa जा रहा था, वॉल्यूम अगर तुमको बढ़ रहा है, एज जो तुम्हारा अभी ग्राफ था इसमें वॉल्यूम क्या हो रहा था, वॉल्यूम बढ़ रहा था, तो वॉल्यूम इज एक्सपेंडिंग, सो वॉल्यूम प्रेशर जो तुम्हारा वर्क डन हो गया, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर जो तो वर्क डन हो गया तुमको पॉजिटिव होगा, और अगर वॉल्यूम कंप्रेस किया जाएगा, वॉल्यूम घटेगा, तो वर्क डन नेगेटिव लेगा, वर्क डन तुम्हारा डी भी मतलब चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है तुम्हारा अभी, तो ये तुम्हारा वर्क डन पॉजिटिव होगा। अब जैसे देखोगे तुमको, जैसे एक आध और देखते हैं, अब जैसे एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब हो गया कि जब फिर से साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं हम लोग, द प्रोसेस आफ्टर व्हिच, द प्रोसेस आफ्टर व्हिच द सिस्टम रिटर्न्स टू इनिशियल स्टेट, द सिस्टम रिटर्न्स टू initial state is called cyclic process। जब अपने initial state में ये लौट जाएगा तो ये तुमको cyclic process कहलाएगा। तो cyclic process का मतलब होता है कि कोई जो है अपने पुराने state में ये लौट जाए, जैसे यहाँ volume है और यहां पर प्रेशर है, तो जैसे कि कोई प्रोसेस है तुमको, जैसे कि यहां से पहले गया, पहले भी इसका बढ़ा वॉल्यूम, फिर ये तुमको क्या हुआ प्रेशर घटा, और फिर ये तुमको लौट के अपने जगह पे चला गया, तो ये जैसे कि तुम्हारा जो प्रोसेस हुआ ए बी सी ए, ये तुम्हारा हो गया ए बी सी ए, एक साइक्लिक प्रोसेस है, ए बी सी ए क्या हो गया, ए बी सी ए एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया ये, क्योंकि वह जहां से चला उसी में तुमको फिर से वहां पर रिटर्न होकर सिस्टम आ गया, तो ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया। तो साइक्लिक प्रोसेस का जो वर्क डन होता है वो इस ट्रायंगल का, जैसे देखो इसका एरिया हम लोग निकालेंगे, जैसे समझें इसको, इसका एरिया कैसे वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो इसका अगर ये एरिया वर्क डन निकालेंगे तो इस प्रोसेस ए से बी का ये पूरा एरिया हो जाएगा हमारा, जो पॉजिटिव है एक वॉल्यूम एक्सपेंड भी कर रहा है, ये पॉजिटिव वर्क डन हो गया, फिर इसमें निकालेंगे तो इसमें तो कोई एरिया इंक्लूड ही नहीं हुआ बीसी में, तो बीसी में कोई नहीं हुआ, फिर सीए में ये देख रहे थे ये तुम्हारा इतना जो पार्ट है ये एरिया क्या होगा तुम्हारा, ये एरिया होगा तुम्हारा सीए का, ये जो एरिया है जो ट्रेपेजियम बना हुआ है जैसा अभी बता रहे थे उसी वैसा ही फिगर ये सीए का हुआ,
तो सी ए का सिर्फ उल्टा हुआ, उल्टा इस सेंस में होगा, पहले हम लोग ए से इधर आ रहे थे, अभी जो क्वेश्चन हम लोग मिटाए बोर्ड पर से, और इसमें उल्टा जा रहे हैं, तो इसमें जो प्रेशर तुम्हारा वॉल्यूम घट रहा है तो इसका वर्कडन निगेटिव होगा, सी से ए का जो वर्कडन है वो निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तो ये जाहिर है कि दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, इतना एरिया घट जाएगा इसमें, तो ये एरिया बचेगा, तो यही एरिया जो तुम्हारा होगा ना, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जो एबीसी होगा तुम्हारा, यही जो तुम्हारा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी ए, ए बी सी ए में ये तुमको साइक्लिक प्रोसेस में ये वर्क डन के इक्वल होगा, ए बी सी ए में वर्क डन के इक्वल होगा तुमको कौन सा, ये वर्क डन के इक्वल होगा इस साइक्लिक प्रोसेस में, ये वर्क डन के इक्वल होगा कौन सा तुम्हारा, ये तुम्हारा जैसे कि इसमें कैसे समझा, ये तुमको जस्ट से साइक्लिक प्रोसेस लेना था, जो जितना क्लोज कर रहा है वही एरिया लेना है। दूसरा सवाल इसमें आता है कि इसको पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव लेना है। देखिए जैसे कि ये प्रेशर तुमको ज्यादा है तो एक्सपेंशन हो रहा है, जाहिर है कि पहले से फिर से स्टेट में लौट के आता तो प्रेशर एक बार वॉल्यूम बढ़ा भी होता है एक बार वॉल्यूम घटा भी होगा, तो अब आप देखिए कि किस ज्यादा प्रेशर वाले एरिया पे, देखो ये जैसे एक्सपेंशन जो हो रहा है हमारा वॉल्यूम का में जो ज्यादा जो चेंज हो रहा है, जो पॉजिटिव चेंज आ रहा है, वॉल्यूम जो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज इन वॉल्यूम इन टेक्स प्लेस एट हाई प्रेशर, देखो यहाँ प्रेशर ज्यादा है, और ये जो तुमको जबकि वॉल्यूम फिर घटना जब शुरू हुआ डिक्रीज जब करना लगा यहां से, तो ये तुमको इसका इसके तुलना में लो प्रेशर का एरिया है, तो इसको वर्कडन को हम लोग पॉजिटिव लेंगे इस स्थिति में। तो ये जो तुमको एरो के मतलब वर्कडन एक्सपेंशन हाई प्रेशर में हो रहा है और कंप्रेशन लो प्रेशर में, तो वर्कडन पॉजिटिव लेना है, और अगर तुमको क्या रहेगा ये उल्टा रहता तो क्या कहते हैं तुम्हारा वर्कडन निगेटिव लेंगे, तो यहाँ पर वर्कडन ये पॉजिटिव ही होगा क्योंकि हाई प्रेशर पर हमारा एक्सपेंशन हो रहा है, और जाहिर कि कर्व रहेगा तो कर्व का भी आपको जैसे कि इंटीग्रेट करके निकालना पड़ जाएगा, तो किसी साइक्लिक प्रोसेस का भी हम लोग वर्कडन निकालेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ क्लोज एरिया जो उसका होगा वही निकाल, चूंकि एक बार जो है पॉजिटिव हुआ फिर एरिया क्या जाता है कुछ घट जाता है उसका, तो वो तुमको उसका सिर्फ क्लोज एरिया ही लेंगे, और पॉजिटिव निगेटिव कब लेना है वो भी मैंने बताया कि तुमको एक्सपेंशन और उस पर डिपेंड करेगा, उसको एरो को देख लोगे किस जगह पर एक्सपेंशन हो रहा है, जब वॉल्यूम बढ़ रहा है उसमें प्रेशर ज्यादा है तो पॉजिटिव एरिया लीजिए, और अगर कम है तुमको वॉल्यूम जिसमें कि एक्सपेंड हो रहा है तो प्रेशर उसमें अगर कम हो तो उसको निगेटिव लेंगे। जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन के द्वारा इसको देख सकते हैं जो कैसे शर्मा बुक में ही दिया हुआ है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं, साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन निकालना है, जैसे मान लेते हैं कि एक सर्कुलर पाथ है ये, और यहां पर तुमको जो कि तुम्हारा दिया हुआ है ये वॉल्यूम एक्सिस है, ये 50 सीसी ले लो इसको, जैसा कभी लेते इसको 100 सीसी, ये वॉल्यूम है तुम्हारा वॉल्यूम, उसी ढंग से यहाँ पर जो है तुमको प्रेशर ले लेते हैं, तो यहाँ पर प्रेशर जैसे कभी लिए थे 50 किलो पास्कल, चलिए और यहाँ पर ले लीजिए 100 किलो पास्कल, ये 100 किलो पास्कल ये प्रेशर हो गया तुम्हारा ये, तो इसका जो है तुमको इस प्रोसेस में इसमें अब एरो किधर से किधर तक मूव कराएंगे, जैसे देखिए अगर हम एरो को जैसे यहाँ इधर जब जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और जब इधर उस उल्टा लौटेंगे तो वॉल्यूम घटेगा, तो देखिए वॉल्यूम को अगर हम इधर अभी एरो इस डायरेक्शन में हम दिए तो हमारा जो वॉल्यूम का इंक्रीज हो रहा है वो लो प्रेशर एरिया में हो रहा है, और जब ये कंप्रेशन होगा तो हाई प्रेशर, इसका जो वर्कडन तो हम लोग इस जहरे साइक्लिक प्रोसेस है तुम्हारा, ये जब पूरा प्रोसेस है साइक्लिक जो सर्किल बन रहा है कहीं से भी स्टार्ट करेंगे तो वहीं पर जाएंगे, तो साइक्लिक प्रोसेस का जो ये वर्कडन होगा ये तो एरिया ऑफ दिस सर्किल होगा, ये एरिया ऑफ दिस सर्किल ही होगा, एरिया ऑफ सर्किल यही वर्कडन होगा, एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस, ये एरिया तो निकलेगा ही, तो एरिया तो हम लोग निकालेंगे ही, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो अगर हम देख रहे हैं कि ये जो लो प्रेशर एरिया है इसमें हमें लो प्रेशर का, यहाँ देखो प्रेशर कम है कंपेरेटिवली इससे, जबकि देखो ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये जो एरो बता रहा है कि ये वॉल्यूम अभी इंक्रीज कर रहा है, तो ये तुमको क्या हो जाएगा, तो ये वॉल्यूम और ऊपर क्या हो रहा है वॉल्यूम तुमको जब जबकि वॉल्यूम प्रेशर तुम्हारा ज्यादा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है घट रहा है, तो इसका मतलब लो प्रेशर एरिया में क्या हो रहा है एक्सपेंशन हो रहा है, तो इसका जो तुमको वर्क डन होगा ये निगेटिव होगा, और हाई प्रेशर एरिया में अगर तुमको हो रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब हो गया वर्क डन जो तुम्हारा होगा वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू क्या हो गया एरिया ऑफ सर्किट
तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो एक रेडियस ले लीजिए आप इधर से वॉल्यूम एक्सिस से, तो वॉल्यूम एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक गया हुआ है, 50 cc to 100 cc। तो हाँ 50 cc का इंक्रीमेंट हुआ तो उसका रेडियस तो डायमीटर हो गया, तो ये हो गया 50 cc/2 हो गया। और उधर क्या जाएगा तुमको, एक आर स्क्वायर करेंगे तो ये तुमको हो गया 100 kPa तक गया 50 से, वो डायमीटर हो गया, तो 50 kPa/2 ये भी तुम्हारा क्या हो गया, ये रेडियस हो गया। तो पाई आर स्क्वायर कर दिए, एक रेडियस इधर से ले लिए, एक तुमको एक रेडियस ले लिए वॉल्यूम साइड से, एक प्रेशर साइड से, तो हाफ इंटू 50 cc/2। तो हाफ इसमें देखो कोई अलग भी होगा, इसका डायमीटर अगर 80 भी होता तो उससे हमको मतलब रेडियस इक्वल हो यहाँ पर जरूरी नहीं है, ये आपका दोनों ये जो ले रहे हैं हम लोग उसको ध्यान से देख करके लेना है तुमको। तो हाफ इंटू तो 1/8 हो गया, ये हाफ इंटू तो ये 1/8 इंटू 50 × 10⁻⁶ इंटू 50 × 10�³ जूल, ये साइन टू हो गया तुम्हारा। तो ये 50 × 50 दैट इज 250 इंटू 10³ तो 2.5 हो गया, 2500 और इंटू 10³ हो गया पॉजिटिव, 10⁻³ हो गया दैट इज 2.5 2.5/8 जूल। तो 2.5/8 0.312 जूल, 0.313 या 0.313 जूल, ये तुम्हारा आंसर होगा। इसको निगेटिव लेना होगा, ये वर्क डन क्या होगा तुम्हारा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस में आ जाएगा, चूंकि तुमको 0.312 या 3 जूल ये निगेटिव लेंगे, चूंकि यहाँ पर लो प्रेशर एरिया में इसका एक्सपेंशन हो रहा था और हाई प्रेशर एरिया में क्या हो रहा है उसका कंप्रेशन हो रहा है, तो ये तुमको जाहिर है कि इसका एरिया जो वर्कडन होगा निगेटिव हो जाएगा। मतलब ये होगा कि ये जो एरिया होगा यहाँ पर जो है तुमको ये एरिया तुमको जाता है क्या जी पॉजिटिव में जाता, और ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर जो है तो ये निगेटिव में जाएगा। तो ऑफकोर्स लास्ट में ज़्यादा तुमको जो है ये जो बचेगा तो वो तुमको पॉजिटिव मतलब निगेटिव में ही इसमें आएगा। और यही अगर एरो का डायग्राम को हम उल्टा कर देते हैं, अभी एरो का डायग्राम उल्टा कर देते हैं वर्कडन क्या जाता हमारा पॉजिटिव हो जाता, एरो को अगर उल्टा कर दें तो वर्कडन पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तुम्हारा इस ढंग से हम लोग क्या करते हैं वर्कडन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन एस सी वर्मा के बुक में भी दिए हुए हैं, जिसमें एनसीईआरटी बुक में कोई एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ इस चैप्टर में, तो एस सी वर्मा के बुक से तुम इसको बना सकते हो। इस सब क्वेश्चन जहाँ भी हैं तुमको वर्कडन के तुम सॉल्व करोगे, और जिस भी क्वेश्चन में तुमको दिक्कत हो जहाँ भी तुमको प्रॉब्लम हो राइट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे किसी भी क्वेश्चन में मदद ले सकते हो कोई भी टॉपिक में। और तुमको लॉज ऑफ ये तुमको थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है तुम्हारा एस सी वर्मा बुक में उसको तुम बनाओगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं। अब है तुमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी उसी में दिया हुआ है, इसको भी उसकी भी जरूरत पड़ेगी उस टॉप चैप्टर को बनाने में। तो पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लीजिए, उसके बाद अपना क्वेश्चन को बनाइए। तो इस टॉपिक तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे हम लोग अब आते हैं। ये वर्क डन बाय गैस का तुम्हारा जैसे था वैसे वर्क डन बाय द गैस में से कुछ स्पेशल प्रोसेस का पहले जिक्र कर लेते हैं। चलो तो जैसे कुछ प्रोसेस है, जैसे वर्क डन तो अभी हम लोग निकाले, जैसे कि कुछ प्रोसेस का स्पेशल नाम है आइसोबारिक प्रोसेस। पहले वर्क डन में ही देख लेते हैं एक आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस का द प्रोसेस, तो आइसोबारिक मतलब द प्रोसेस इन विच द प्रेशर ऑफ गैस इज कॉन्स्टेंट, द प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ गैस इज कॉन्स्टेंट, तो ये कहलाएगा आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर कॉन्स्टेंट है। तो इसमें अगर वर्कडन हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं तो वर्कडन का जो फॉर्मूला था इंटीग्रेशन पी डी भी था, और अगर वॉल्यूम इनिशियली वी वन से चेंज होकर वी टू हो गया एट कॉन्स्टेंट प्रेशर है, तो इंटीग्रेशन में जो चीज कॉन्स्टेंट होता है उसको बाहर ले सकते हैं। तो W इक्वल टू क्या होगा तुमको, P बाहर आ जाएगा और डी भी V1 से V2 तक गैस का वॉल्यूम चेंज हुआ, और ये P इक्वल टू कॉन्स्टेंट था आइसोबारिक के कारण, आइसोबारिक का मतलब हुआ P कॉन्स्टेंट। तो ये जो तुम्हारा जो इंटीग्रेशन कर लेंगे हम लोग तो डी भी का भी हो गया इधर, और लोअर इंटीग्रेशन लिमिट यहाँ अपर इंटीग्रेशन लिमिट यहाँ दीजिए, दैट्स इक्वल टू पी V2 - V1। ये आइसोबारिक प्रोसेस का ये वर्क डन हो गया, या तुमको ग्राफ अगर प्लॉटिंग है तो उसके आधार पर बना सकते हो जो एरिया एरिया के आधार पर, और नहीं तो तुमको जिस ढंग से तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है डाटा तो उसी के आधार पर तुम इसको एडजस्ट कर दोगे। ये तुम्हारा हो गया आइसोबारिक प्रोसेस का। दूसरा प्रोसेस होता है तुमको जिसको हम लोग कहते हैं आइसो कोई प्रोसेस कर ले, वॉल्यूम इज केप्ट कॉन्स्टेंट, ये भी एक जिसा है
आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम केप्ट कांस्टेंट हो, आइसोकोरिक, CHORIC, आइसोकोरिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट। जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो, तो वॉल्यूम अगर कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, इसका डिफ्रेंसिएशन डी भी जीरो हो जाएगा। कॉन्स्टेंसी का डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन पी डी वी, तो दैट्स इक्वल टू जीरो। तो वर्क डन तुमको क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो हो गया, वर्क डन बाय द गैस ये जीरो हो गया, वर्क डन नहीं होगा। तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन हो गया जीरो। चलिए अब है तुमको जो प्रोसेस है, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं। आइसोथर्मल का मतलब क्या होगा, आइसोथर्मल का मतलब होगा टेम्परेचर रिमेन सेम। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस का जो होता है तुमको, आइसोथर्मल प्रोसेस का देख, जो हम लोग देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। तो टेम्परेचर, जैसे जहां तक पी वी डायग्राम की बात है, पी वी डायग्राम जो कि बॉयल्स लॉ वगैरह में देखा होगा गैस में, अगर ये वॉल्यूम हो गया, ये प्रेशर है तुम्हारा, तो अगर प्रेशर मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो इस ढंग का ग्राफ आएगा तुमको, ये आइसोथर्म कहलाता है तुम्हारा, ये तुमको इस ढंग का। तो इसका जो कि एरिया तुमको, तो यहाँ से क्या होगा, अगर वॉल्यूम तुमको V1 से V2 तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम, अगर V1 से V2 ये कर्व है, तो ये V1 से V2 गया, तो ये टेम्परेचर कितना, ये T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये T कॉन्स्टेंट है। तो इसका जो एरिया होगा तुम्हारा, ये जो एरिया यहाँ से, तो इंडिकेट करना पड़ेगा इसको, तो ये तो एरिया से निकाल भी नहीं सकते, ये तो कर्व है, तो ये आइसोथर्म कर्व कराता है। तो वर्कडन कितना होगा इसका, तो वर्क डन देखो, W इज इक्वल टू होता है तुमको, W इक्वल टू खैर इंटीग्रेशन पी डी वी, अगर वॉल्यूम तुमको चेंज हुआ है V1 से V2 तक, तो इसमें जो है प्रेशर तो कांस्टेंट है नहीं, जो बाहर इसको कर सकते हैं, तो वॉल्यूम को के साथ तो इसको रिलेट करना पड़ेगा। तो आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, ये होता है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, हम लोग कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन में, तो इसका पी का वैल्यू हो जाएगा एन आर टी बाय वी, तो इसको यहाँ पर डाल सकते हैं हम लोग, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पी को तो हम लोग पी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, एन आर टी बाय वी इन टू डी वी, और वी वन से ये कहाँ तक गया वी टू, और जाहिर है कि जो कॉन्स्टेंट चीज होता है, जैसे एन आर टी यहाँ कॉन्स्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, दैट इज एन आर टी, और डी वी बाई वी का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो गया लॉग वी, ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, वी वन से वी टू तक लिमिट गया, तो दैट्स इक्वल टू क्या हो गया एन आर टी लॉग ई बेस पर हो गया वी टू माइनस लॉग ई बेस पर वी वन, तो दैट्स इक्वल टू क्या हो गया एन आर टी लॉग ई बेस पर वी टू बाय वी वन। अब ये तुमको बेस ई पर जब गया, तो इसको टेन बेस पर अगर बदलना है तो क्या होगा, दैट इज 2.303, ये एन आर टी, एन हो गया मोल ऑफ गैस, और लॉग ये टेन बेस पर हो गया वी टू बाय वी वन, ये जब बेस बदलेंगे 2.303 देते हैं। तो ये आइसोथर्मिक प्रोसेस का ये वर्क डन का ये फॉर्मूला हो गया कि 2.303 लॉग बेस 10 में आ जाएगा, तो एन आर टी जहाँ तक है, एन है मोल ऑफ गैस, आर है तुमको गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर इन केल्विन, जब कभी भी गैस लॉ यूज करेंगे तो टेम्परेचर केल्विन में ही होगा, डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देना है। तो ये तुमको क्या आइसोथर्मिक आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या चीज वर्क डन, आइसोथर्मल प्रोसेस अगर हो जाता है जब डायथर्मिक वाल्व कहते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं डायथर्मिक वाल्व का मतलब जिसके थ्रू हीट आसानी से पास करे, तो उस वाल्व को हम लोग कहते हैं डायथर्मिक वाल्व, और एक होता है एडियाबेटिक वाल्व, जिससे कि हीट एक्सचेंज ना हो, टेम्परेचर सेम होना और हीट सेम होना अलग अलग चीज है। एक डायथर्मिक वाल्व, डायथर्मिक वाल है तुमको,
जिसके अक्रॉस में टेम्परेचर सेम होगा, हीट कैन फ्लो इजिली, हीट फ्लो इजिली, ये तुमको जैसे कंडक्टर वायरस ही डायथर्मिक वॉल हुआ, टेम्परेचर रिमेन सेम, टेम्परेचर रिमेन सेम, जैसे कि ये तुमको डायथर्मिक वॉल है, इधर तुमको ये वॉल है डायथर्मिक, तो इधर का टेम्परेचर इधर का टेम्परेचर सेम रहेगा, तो टेम्परेचर सेम रहेगा क्योंकि हीट आ जा सकता है, हीट आ जा सकता है, हीट इधर से जा सकता है इधर से, तो ये टेम्परेचर को क्या कर देगा, ये टेम्परेचर को दोनों साइड का टेम्परेचर क्या हो जाएगा इसका सेम हो जाएगा, ये अगर डायथर्मिक वाल से अगर तुमको सिस्टम में जुड़ा हुआ है तो दोनों तरफ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा सेम होगा। अब अगर देखो एडियाबेटिक वाल एक होता है, एडियाबेटिक वाल, एडियाबेटिक, तो द हीट हीट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, हीट रिमेन्स कॉन्स्टेंट ऐसा कहते हैं, हीट को मतलब पास करने नहीं देगा। जैसे देखिए इसी सिस्टम में अगर ऐसा ही फिगर रहा और ये वाल तुमको यहाँ पर दे दिए, ये एडियाबेटिक वाल दे दिए, ये एडियाबेटिक वाल है, ये एडियाबेटिक वाल, तो ये हीट सेम रखेगा, मतलब ये टेम्परेचर अगर T1 और T2 है तो ये तुमको T1 T2 बरकरार रहेगा, हीट जाने ही नहीं देगा, ये नो हीट इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर, नो हीट फ्लो इंसुलेटर, नो हीट एक्सचेंज, इससे हीट एक्सचेंज नहीं होगा तो टेम्परेचर सेम नहीं हो पाएगा। तो हीट का मतलब डायथर्मिक वाल में तुमको हीट को इधर मतलब पास करने वो वाल देता है तो टेम्परेचर को हमेशा कांस्टेंट कर लेगा डायथर्मिक वाल, लेकिन एडियाबेटिक वाल में क्या होता है हीट को क्या करने देगा वो पास करने नहीं देता, जैसे दूसरे शब्द में कि एक तरफ का हीट को कांस्टेंट रखेगा, इधर का हीट को इधर जाने देगा, इधर का हीट को इधर नहीं जाने देगा, तो हीट को उस क्या रखता है डायथर्मिक वाल में, डायथर्मिक वाल में हीट कैन पास फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, देन टेम्परेचर बिकम्स फाइनल टेम्परेचर तुमको दोनों क्या जाएगा इक्वल हो जाएगा, लेकिन एडियाबेटिक वाल में हीट तुमको इधर से उधर जाने नहीं देगा तो जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट जैसे है, टेम्परेचर अगर डिफर है तो वो डिफर ही रहेगा। एडियाबेटिक प्रोसेस में जो वर्क डन है, इन सबों की चर्चा हम लोग जब एडियाबेटिक प्रोसेस के कुछ इक्वेशंस हम लोग जो स्टेट के इक्वेशंस हैं हम लोग जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस फिर से अलग से पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आई होप कि पढ़ेंगे हम लोग, तो उसके बाद उसकी वर्क डन की चर्चा की जाएगी, क्योंकि उसका जो इक्वेशन है उसको हम लोग अभी डिराइव नहीं किए हैं, तो एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन अभी इस लेक्चर में शामिल नहीं कर रहे हैं, वो बाद के लेक्चर में उसको बताया जाएगा, सेकंड नेक्स्ट लेक्चर में आई होप कि शायद आना चाहिए। तो तुम्हारा अभी जो है हम लोग इतना जानकारी के बाद कुछ प्रोसेस का वर्क डन बता दिए, अब हम लोग फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स को देख लेते हैं, जो कि हीट वर्क डन और तुमको इंटरनल एनर्जी इन तीनों को रिलेट करता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो ये लॉ कहता है कि जब किसी सिस्टम में हीट देते हैं तो वह सिस्टम हीट कुछ क्या करता है, कुछ जैसे अभी तक हम लोग हीट के बारे में पढ़ रहे थे कि वो क्या करता है एक्सपेंड करता है किसी बॉडी को, वह तुमको क्या कर सकता है टेम्परेचर को राइज कर सकता है, तो टेम्परेचर को राइज कर ही सकता है, इसके अलावा स्टेट चेंज कर सकता है, तो हीट एक और जो तुमको स्पेशल जो तुमको बात है कि हीट क्या कर सकता है, जैसे अभी हम लोग बात करते हैं वर्क डन कर सकता है, अगर गैसेस सिस्टम है तो हीट क्या कर सकता है वो फैल सकता है, जिससे कि हम लोग वर्क डन कर सकते हैं। तो हीट गिवेन टू ए सिस्टम द चेंज इन हीट एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, हीट एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज द सम ऑफ चेंज इन इंटरनल इनर्जी एंड वर्क डन बाय द गैस। तो ये तुमको चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन बाय द गैस के इक्वल होगा। तो डी क्यू जो तुम्हारा होगा, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी यू प्लस डी डब्ल्यू,
डीक्यू होगा तुमको हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। ये डीयू हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डी डब्ल्यू हो गया वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस। ये तुमको डी क्यू जो तुम्हारा हो गया, डी एच जो भी कर सकते हैं, इसको डी एच भी लिख सकते हैं, या तुमको डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो ये तुमको इंटर या डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जितना हीट चेंज करें दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये तुमको वर्क डन बाय दी गैस, ये तुमको अगर हीट एनर्जी देते हैं तो या तो उसका टेम्परेचर में चेंज करेगा, टेम्परेचर चेंज करेगा तो वो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, ये टेम्परेचर से रिलेटेड हुआ चेंज। और या तो तुमको क्या करेगा इसके वर्क डन करेगा, या तो वर्क डन करेगा, तो दोनों के सम के इक्वल होगा कभी भी जो तुमको होगा वर्क डन बाय दी गैस, वर्क डन बाय द गैस इज टेकन पॉजिटिव, इज टेकन पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव वर्क डन लेना है, वर्क डन बाय दी गैस को पॉजिटिव लेना है। वर्क डन ऑन दी गैस, अगर कोई वर्क डन बाहर से करा, वर्क डन ऑन द गैस इज टेकन निगेटिव, टेकन निगेटिव, टेकन निगेटिव। मतलब कोई वर्क डन बाहर से कोई गैस पे कर रहा तो उसको निगेटिव लेंगे इसमें, और वर्क डन अगर कोई गैस वर्क डन कर रहा तो वो अगर कोई हीट दे रहे हैं तो उसको पॉजिटिव, हीट गिवन पॉजिटिव, हीट एक्सट्रैक्टेड निगेटिव, हीट सप्लाइड पॉजिटिव लीजिए, हीट एक्सट्रैक्टेड सिस्टम से अगर हीट बाहर जा रहा है तो इसको निगेटिव लीजिए। तो ये हीट में ध्यान रहेगा, और इंटरनल एनर्जी तो खैर अपना जो भी उसका है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा चेंज, और टेम्परेचर अगर घटेगा तो निगेटिव हो जाएगा चेंज। और वर्क डन के लिए क्या बताया, कि वर्क डन अगर सिस्टम कर रहा है, वर्क डन बाय सिस्टम इज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन निगेटिव। अगर कोई सिस्टम पे वर्क डन बाहर, सिस्टम ने कुछ अगर किसी को 700 जूल हीट दिया गया, उसे 500 जूल उसने वर्क डन कर दिया, तो आपके पास क्या वर्क डन गैस ने किया, इसका मतलब इट शुड बी पॉजिटिव, यहां पे 500 पॉजिटिव लेंगे तो ये जो डेल्टा यू हो जाएगा 200 जूल हो जाएगा आपका। लेकिन अगर कोई गैस से बाहर सिस्टम से निकाल रहा है तो इन सब अलग अलग सिचुएशंस में इसको जो है आप अलग अलग ढंग से, जैसे ये क्या था? अगर डेल्टा यू का टेम्परेचर बढ़ता है तो टोटल हीट वर्क डन में जा सकता है, अगर तुमको डेल्टा डब्ल्यू जीरो हो तो टोटल अगर वर्क डन नहीं हो रहा है, बिल्कुल जो है उसमें कोई कहीं मूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, तो सिर्फ टेम्परेचर ही राइज करेगा आपका। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में इसके अलग अलग ढंग से क्या है यूटिलाइजेशन हम लोग इसको करेंगे। तो इसके जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं इसको तुमको, इसको तुम कर सकते हो, इसको अटेम्प्ट करोगे। जैसे कि हीट का एक यूनिट होता है कैलोरी, हीट का जो यूनिट होता है यूनिट ऑफ हीट जो है तुमको, यूनिट ऑफ हीट तो हम लोग जूल तो होता ही है, दैट इज कैलोरी, तो कैलोरी एक कहते हैं हम लोग। तो वन कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल, इसको हम लोग मैकेनिकल इक्विवेलेंट भी कहते हैं, इसको मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी कहते हैं इसको कभी कभी, जो पहले ज़्यादा कहा जाता अब तो इस ढंग से डिफाइन नहीं होता है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो ये जो तुमको रिलेट करके जो लाया गया अलग अलग ढंग से, जैसे कि कोई जैसे क्या होता है तुमको वर्क करके भी हीट आप उत्पन्न कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं कि मतलब किसी चीज़ को मतलब चूल्हा पर ही गर्म करके कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं किसी पाइप को ऊपर नीचे करते रहे जमीन में, तो देखोगे वो जल्द धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जैसे इसको करते रहे इसे रग रहे हैं तो ये धीरे धीरे हीट हो जाएगा। तो ऐसा तो हमने नहीं किया कि इसको कोई हीट किसी ने दिया, तो यहाँ पर क्या इसका वर्क डन जो हो रहा है वो हीट में कन्वर्ट हो गया। तो वर्क डन भी अगर किया जाएगा सिस्टम पर तो वो एक क्या होता है हीट हो सकता है, और हीट भी दीजिएगा तो वर्क डन हो सकता है। तो ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं, और दोनों हीट एनर्जी और वर्क डन ये सब जो है तुमको इंटरचेंजेबल है, इक्विवेलेंट है। और दोनों में जैसे अगर कैलोरी में कहीं यूनिट होता है तो उसको 4.2 जूल के इक्वल होगा, जिसको मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी कभी कभी कहते हैं, जिसको जो पहले ज्यादा कहा जाता था अब तो इसको जूल हीट तो जस्ट क्या होगा तुम्हारा मतलब कैलोरी का यूज तो एसआई यूनिट हमारा जूल ही है। तो ये तुम्हारा हो गया कि कभी भी किसी सिस्टम का जैसे वर्क आप जैसे इस फॉर्मूला में प्रयोग करेंगे, अगर पीवी डायग्राम है तो वर्क डन आप उसे कैलकुलेट कर लीजिए, हीट दिया हुआ या हीट बाहर किया गया तो उसके बाद प्लस माइनस लीजिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकल जाएगा, चेंज इन इंटरनल जैसे और चेंज इन इंटरनल एनर्जी के भी जो नेक्स्ट लेक्चर स्पेशल हीट कैपेसिटी के साथ इसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी का भी एक फॉर्मूला और भी आएगा, उसके द्वारा आप इसको निकाल भी सकते हैं। तो इस एनसीईआरटी जो एसएमओ का जो बुक है तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स का जो ये चैप्टर दिया उसमें इस पर हीट कैपेसिटी का जो तुम्हारा है इंटरनल एनर्जी के बारे में बहुत काम नहीं कराया गया इस एक्सरसाइज में, जब अगला एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे जब इस पे हीट कैपेसिटी तो उसमें उसका वर्क डन उसमें उसका काम करेंगे हम लोग, इंटरनल एनर्जी पर ज्यादा करेंगे। यहां इंटरनल एनर्जी जैसे देखेंगे कि एक स्टेट से दूसरा स्टेट में गया तो इंटरनल एनर्जी चेंज सेम होगा,
किसी भी पाथ से जाइए उसे डिपेंड नहीं करेगा, इन सबों का प्रयोग करके। और अगर किसी टॉपिक में किसी कॉन्सेप्ट में कहीं भी तुमको अब दिक्कत रहा है क्वेश्चन, इसको बनाओगे जहां भी तुम्हें प्रॉब्लम होगा, तुम ऐप के राइटफुल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हो। तो इस लेक्चर को यहां समाप्त कर रहे हैं, आई होप कि तुम जल्दी क्वेश्चन बनाओगे इसका, और जो दिक्कत है हमसे कॉन्टैक्ट करो। ठीक है।